नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीपी लिंक के ओमेडा ये गीगाबिट पीओई इंजेक्टर के बारे में, जिसका कि मॉडल नंबर है पीओई 150S। तो ये बेसिकली पीओई इंजेक्टर किस काम आता है, क्या कब इसकी हमें ज़रूरत महसूस होती है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए बेसिकली क्या है ये, दिस इज़ ए सिंगल पोर्ट पीओई गीगा इंजेक्टर। तो दैट मीन्स कि ये कई बार क्या होता है कि हमारे पास पीओई स्विच अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पर हमारे पास एथरनेट पोर्ट तो अवेलेबल होता है बट हमारे पास पीओई पावर नहीं होती और आपको वहाँ पर चाहिए पीओई पावर। तो जैसे कि कई बार आपको आईपी फोन्स लगाने पड़ते हैं या फिर आपको जो है एक्सेस पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं या फिर आपको कोई आईपी कैमरा लगाना पड़ता है और वहाँ पर आपको पीओई पावर की ज़रूरत है और आपका डिवाइस जो है वो पीओई को सपोर्ट करता है। आपका डिवाइस अगर नॉर्मल पावर को सपोर्ट नहीं करता है तो उस केस के अंदर आपको जो है ये पीओई इंजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये सिंगल पोर्ट का पीओई इंजेक्टर है जिसका कि देखिए, जैसे अब अगर इस आप इस पे देखेंगे तो ये टीपी लिंक ओमेडा गीगाबिट पीओई इंजेक्टर पीओई 150S जो ये मॉडल है और इसमें अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड जो सपोर्ट करता है पीओई 802.3AF इस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है और 15.4 पीओई बजट इसकी पावर जो है 15.4 तक सपोर्ट करता है। दिस इज़ ए प्लग एंड प्ले डिवाइस, यानी दैट मीन्स कि आपको इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्लग एंड प्ले डिवाइस। गीगाबिट एथरनेट पोर्ट है, दैट मीन्स कि जो आपको आउटपुट आएगी पीओई के थ्रू दैट विल बी गीगाबिट। तो यानी आपको जो है 100 by 1000 वाली आपको पावर इसके अंदर आउटपुट मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अभी हम इसको अनबॉक्सिंग भी करके देखेंगे, तो ये इसके अंदर एक आपको पीओई इंजेक्टर मिलता है, एक इसमें पावर अडेप्टर मिलता है और एक इसके अंदर इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है। और यहाँ पर हम अगर इसके बैक साइड में देखें तो ये दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय टीपी लिंक कॉरपोरेशन, ये सिंगापुर से मैन्युफैक्चर है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इज चाइना। और यहाँ पर देखिए इसका एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए ये यहाँ पर शो हुआ है क्या है कि यहाँ पर एक राउटर कनेक्टेड है, राउटर से एक आपका नॉर्मल स्विच कनेक्टेड है जो देर में भी कि दैट विल बी द गीगा और नॉर्मल स्विच। तो ये जो स्विच कनेक्टेड है और स्विच से आपका ये एक हमने यहाँ पर पीओई इंजेक्टर कनेक्ट किया है जो हमारे एक डिवाइस को यहाँ पर सपोर्ट करता है। मान लीजिए हमारा डिवाइस जो है पीओई पोर्ट को सपोर्ट करता है तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के मेनली ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट में, वन इज़ एक्सेस पॉइंट, अनदर इज़ आईपी फोन और थर्ड इज़ आईपी कैमरा। तो यानी कोई भी आपको चाहिए तो इसमें क्या होता है कि पीओई मतलब पावर के साथ आपको जो है मतलब आपको एक्स्ट्रा अडेप्टर वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको जो है पावर भी साथ में उस केबल के थ्रू चली जाएगी। तो देखिए डाटा भी मिलेगा आपको और डाटा एंड पावर भी मिलेगा, यानी डाटा और पावर का कम्बिनेशन आपको एक RJ45 जैक के अंदर जो है गीगाबिट स्पीड से आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसका जो प्राइस है MRP इसका आप अगर देखेंगे तो 1799 है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। और ये जो है स्टैंडर्ड्स देखिए यहाँ पर मैंशन है जिन जिनको सपोर्ट करता है, 802.3i, 802.3u, 802.3ab और AF। तो ये सारे स्टैंडर्ड को मोस्टली सपोर्ट करता है। इंटरफेसेस देखिए, लैन पोर्ट, पीओई पोर्ट, सभी जो है गीगाबिट पोर्ट्स हैं और इसके अंदर जो है पावर इनपुट जो है वो 48 वोल्ट का एक इसके अंदर अडेप्टर है और 15.5 वोल्ट की मैक्सिमम जो है इसको सपोर्ट करता है। और ये LED इसके अंदर आपको जो है इंडिकेशन मिलता है पावर के लिए। तो एक बार हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं और इसके जो डिवाइसेस भी देख लेते हैं क्या क्या हमें इसके साथ अंदर मिलता है। जिससे हमें पता लगे कि भी कभी हमें साइट पर अगर इसको इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या हमें कनेक्ट करना है। देखिए ये देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ ये आपका इंस्टॉलेशन गाइड है, ठीक है। टीपी लिंक ये मतलब दिस से ब्रांडेड वन। और ये देखिए ये छोटा सा मात्र जो है ये पीओई इंजेक्टर है और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे लैन इन, यहाँ पर लैन इन यानी यहाँ पर आपको जो है अपनी जैसे कि ये सपोज़ हमारे पास एक लैन केबल है, ये लैन केबल है तो जो आपकी जो स्विच से आ रही है केबल वो यहाँ पर आपकी कनेक्ट होगी। ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये इसमें एक जो है 48 वोल्ट का इसके अंदर पावर एडेप्टर अवेलेबल है। इसकी अगर रेटिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 48 वोल्ट एंड 0.375 एम्पियर, तो 0.375 एम्पियर 48 वोल्ट टीपी लिंक का एडेप्टर है। ये एडेप्टर आपका जो है ये यहाँ पर पावर देने के लिए इसको कनेक्ट होगा। और यहाँ जो दूसरी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन्ड है दिस इज़ पीओई प्लस, मतलब ये आउट का है, ये आपका ऑप्शन है। यहाँ से आप जो है अपने कैमरे को पावर दे सकते हैं, यानी जैसे यहाँ पर हमारे पास एक और
ये पैच केबल है और इस पैच केबल को हम इसमें यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इस इंजेक्टर में। तो दैट मीन्स आपका ये अडेप्टर जो है आपका पावर में लग जाएगा। ये दिस अडेप्टर इज कनेक्टेड टू द पावर। ये आपका जो है इधर से स्विच से आ रहा है, यानी स्विच से कनेक्शन आएगा। और अब क्या होगा कि आप इस जो यहाँ से जो दूसरी आउटपुट है, आउटपुट से आप जो है इसमें कैमरा डायरेक्टली कनेक्ट, कैमरा या फिर एक्सेस पॉइंट जो भी आप कनेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास एक विजन का कैमरा अवेलेबल है, ये हमारे पास एक कैमरा है, तो इस कैमरे को आप जो है यहाँ से, ये जो कैमरा है ये इसमें पॉइंट से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको जो है इस POE इंजेक्टर के थ्रू पावर भी मिलेगी और जो है डेटा भी मिलेगा। दैट मीन्स कि आपका कैमरा काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको सिंगल कैमरा वगैरह लगाना है तो आप जो है POE इंजेक्टर के थ्रू इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में जैसे कि इसकी जगह जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, ये देखिए हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट भी अवेलेबल है। ये हमारा जो TP-Link Omega वायरलेस MU-MIMO गीगाबिट सीलिंग माउंट एक्सेस पॉइंट है EAP-245। तो ये भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीलिंग माउंट एक्सेस पॉइंट है जिसमें कि जो है आपको मतलब मींस पावर वहां पर देने की ज़रूरत नहीं है और आप पावर आपकी वहीं से मिलती है और लॉन्ग रेंज ये इसकी कवरेज होती है। तो इसको भी आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली एक हमने आपको तरीका बताया कि भी आप POE से कैसे पावर दे सकते हैं। 3 साल की इसके साथ वारंटी आती है, 3 ईयर्स वारंटी इसमें मैंशनड है जो कि आपको इस प्रोडक्ट के साथ मिलती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।